क्लोजिंग फार्मूला फॉर सिनेरियो, इसका जो विन रेट है ये 80% है। ओपनिंग फार्मूला फॉर सिनेरियो, इसका जो विन रेट है यानी इसका जो एक्यूरेसी है ये 85% है। ओके, दोनों का जो टाइम जोन है वो डिफरेंट है। चलिए सबसे पहले हम क्लोजिंग फार्मूला फॉर सिनेरियो के बारे में हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप यहाँ पर नेक्स्ट डे में मार्केट का गैप अप गैप डाउन का पता लगा सकते हैं। ओके, मार्केट में गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, कैसे आप क्लोजिंग फार्मूला फॉर सिनेरियो का यूज करके आप पता लगा सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। उसके बाद में हम बताएंगे ओपनिंग फार्मूला फॉर सिनेरियो के बारे में, किस प्रकार से मार्केट की फर्स्ट कैंडल को देखते हुए मार्केट की डायरेक्शन का आप पता लगा सकते हैं। इसका जो विन रेट होगा ये 85% होगा। ओके, तो चलिए चलते हैं पैटर्न पर और आपको ये फॉर्मूले हम ऐड करके दिखाते हैं। इन फॉर्मूले का इस्तेमाल करके अपने पोजिशन को होल्ड कर सकते हैं और साथ में मार्केट में सही ट्रेड लेकर एक मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बन सकते हैं। ये लाखों रुपए के फॉर्मूले हैं जो मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बताने वाला हूँ, तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप इन फॉर्मूले का सही से इस्तेमाल कर पाओगे। किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है इन फॉर्मूले को यूज करने में तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके, तो चलिए चलते हैं पैटर्न पर। जैसा मैंने आपको बताया क्लोजिंग फॉर्मूला फॉर सिनेरियो में जो उसका टाइम है वो 3:25 है। तो जैसा मैंने आपको बताया इस फॉर्मूले को आप ऐड तभी कर पाएंगे जब मार्केट का लास्ट कैंडल ओपन होगा। उसके बाद में यहां पर हमारे पास 5 मिनट होंगे, 5 मिनट में हमें यहाँ पे क्लोजिंग फॉर्मूला फॉर सिनेरियो को पैटर्न पर ऐड करना है और ऐड करने के बाद में इसका कंफर्मेशन हमको देखना है कि ये हमें कैसा यहाँ पे सिग्नल देता है। ओके, तो इसका विन रेट होगा ये 80% होगा। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं आपको क्या करना है, जो भी पैटर्न पर जो भी लास्ट कैंडल होगा, जो भी पैटर्न होगा यहाँ पर उसका जो लास्ट कैंडल ओपन होगा, ओपन होने के बाद में उसके प्रीवियस डे का पैटर्न भी आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, यानी उनके जितने भी हाई होंगे जितने भी लो होंगे सभी को कनेक्ट करवाते हुए ट्रेंड लाइन से आपको ड्रॉ करते हुए यहां तक आना है। ओके, जो साइकोलॉजी है पैटर्न का, जो फॉर्मेट है, हमें क्या बता रहा है कि इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में मार्केट में नेक्स्ट डे में गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। ओके, तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर प्रीवियस डे का, इस वाले पैटर्न का प्रीवियस डे का पैटर्न ये है और यहां पर इसका लो एक ये है, इसका हाई यहां पर एक ये है। तो सभी यहां पर मैं हाई लो को यहां पे सबसे पहले मार्क कर देता हूं, आपको दिखा देता हूं, उसके बाद में इन सभी हाई लो को हम एक ट्रेंड लाइन से ड्रॉ करते हुए यहां तक आएंगे। ओके, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर मैंने दो पैटर्न पर जितने भी हाई बने हैं जितने भी लो बने हैं यानी जितने भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बने हैं उन सभी को मार्क कर दिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, ट्रेड लाइन से ड्रॉ करते हुए हम लास्ट यहाँ तक आएंगे क्योंकि यहाँ पे एक स्पिनिंग रेड कैंडल बनाकर मार्केट ने क्लोजिंग दी है, बट यहाँ पर अभी हमें कन्फर्मेशन नहीं मिला है कि मार्केट इस वाले सपोर्ट तक ट्रेड करेगा। ओके, अभी तक कन्फर्मेशन नहीं दिया है मार्केट ने, यानी मार्केट कन्फर्मेशन देकर नहीं गया है। इस वाले कंडीशन में हम यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हुए जब आएंगे ट्रेंड लाइन से तो हम देखेंगे कि यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, क्या उसके बाद में ही हम मार्केट की डायरेक्शन का पता लगा पाएंगे यानी 80% का एक्यूरेसी निकाल पाएंगे। ओके, तो यहां पर देखिए सबसे पहले मैं इन सभी को डिलीट कर देता हूं। अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, ट्रेंड लाइन से इन सभी को ड्रॉ करके आपको दिखाने वाले हैं और यहां तक आने वाले हैं। यहां पर देखिए इस वाले सपोर्ट को आपको इस सपोर्ट से कनेक्ट करना है और इस वाले रेजिस्टेंस को यहां पे इस रेजिस्टेंस से कनेक्ट करना है, राइट। उसके बाद में इस वाले सपोर्ट को नेक्स्ट सपोर्ट से कनेक्ट करना है एंड यहां पर इस वाले रेजिस्टेंस को आपको इस रेजिस्टेंस से कनेक्ट करना है। ओके, तो इसके बाद में हमारे सामने ये सपोर्ट है तो इस सपोर्ट को हम नेक्स्ट जो भी सपोर्ट है इससे कनेक्ट कर देंगे, बट करने की जरूरत नहीं है, पहले से यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट यहाँ पर अपने प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए चल रहा है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने एक रेजिस्टेंस है तो इस रेजिस्टेंस को हम इस रेजिस्टेंस से यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, लेकिन इसको भी करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही मार्केट अपने प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए चल रहा है। ओके, तो यहाँ पर अब हमको करना क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो निष्कर्ष आया है निकल कर सामने वो ये है कि जो यहाँ पर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है यहाँ पर ट्रेड कर रही है और जो सपोर्ट ट्रेड लाइन है यहाँ पर ट्रेड कर रही है, दोनों के बीच की हम दूरी देखें तो काफ़ी बड़ी दूरी है। एंड साथ में यहाँ पर जब जैसे ही मार्केट ने इस वाले ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लिया है तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट होता है यहाँ पर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ट्रेड करना। यहाँ पर हमें कोई कंफर्मेशन देखकर भी मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी है कि मार्केट वापस से अपने सपोर्ट तक ट्रेड करेगा, एंड मतलब यह है कि नेक्स्ट डे में मार्केट में गैप अप ओपन होगा। यदि यहाँ पर इस वाले रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट यदि मार्केट ओपनिंग देता है तो वापस से मार्केट अपने यहाँ पर इस वाले रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेने के बाद में वापस से या तो मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा या फिर वापस से मार्केट अपने इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन पर ट्रेड करने के लिए आएगा। ओके, तो फ्रेंड्स ये है कुछ इस प्रकार का साइकोलॉजी मार्केट का, थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, जितना प्रैक्टिस करोगे मार्केट का डायरेक्शन का पता सही से लगा पाओगे, यहां तक कि आप मार्केट के गैप अप गैप डाउन का भी सही से पता लगा पाओगे। 80% का इस फॉर्मूले का एक्यूरेसी है, बट यहां पर जितना आप प्रैक्टिस करोगे इस फॉर्मूले की एक्यूरेसी आप बढ़ा भी सकते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं ओपनिंग फॉर्मूला फॉर सिनेरियो के बारे में, किस प्रकार से मार्केट के फर्स्ट कैंडल को देखते हुए मार्केट की डायरेक्शन का आप पता लगा सकते हैं। ओके,
दोस्तों ओपनिंग फॉर्मूला फॉर सिनेरियो का सही से कंफर्मेशन लेने के लिए आपको सबसे पहले आपको क्लोजिंग फॉर्मूला फॉर सिनेरियो को मार्केट में ऐड करना है, उसके बाद में हमको उसकी हेल्प लेते हुए मार्केट की डायरेक्शन का पता लगाना है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, इसके लिए हमें प्रीवियस डे के पैटर्न में जितने भी हाई बने हैं जितने भी लो बने हैं उनको सभी को मार्क करना है और यहाँ पर ट्रेंड लाइन से उनको ड्रॉ कर लेना है। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट का एक नया हाई ये है एंड तो देख सकते हैं यहाँ पर प्रीवियस डे में जितने भी हाई लो बने हैं उन सभी को हमने मार्क कर दिया है। चलिए इन सभी को डिलीट करके अब यहाँ पर हमें ट्रेंड लाइन से इन सभी हाई लो को मार्क करते हैं और आगे यहाँ तक आते हैं, उसके बाद में सिचुएशन देखते हैं कि किस प्रकार की सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। यदि मार्केट यहाँ पर मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग देता है तो गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद में प्रीवियस डे के पैटर्न में जितने भी हाई लो बने हैं उन सभी को हमको ट्रेंड लाइन से ड्रॉ कर लेना है और यहाँ तक हमको आके यहाँ पर सिचुएशन देखना है कि किस प्रकार का फॉर्मेट किस प्रकार की सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। ओके, देखिए दोस्तों मैंने सपोर्ट और सपोर्ट को रेजिस्टेंस से मैंने कनेक्ट करवाया है ट्रेंड लाइन से, उसके बाद में अब आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है ध्यान दीजिएगा। ओके, ये आपके लिए समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि आप हिस्ट्री पर जब पैटर्न करोगे तो सही से आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस का सही से आपको पता होना चाहिए, उसके बाद में सही से आप ड्रॉ कर पाएंगे और सिचुएशन जो भी यहाँ पर आती है आखिर में उस सिचुएशन को देखते हुए मार्केट की डायरेक्शन का आप पता लगा पाओगे। फ्रेंड्स, ये सेटअप आपको ही क्रिएट करना है और यहाँ पर जो भी सिचुएशन बनती है उसके बाद में उस सिचुएशन के आधार पर आपको यहाँ पर एनालिसिस करना है। तो यहाँ पर ये प्रैक्टिस का खेल है, प्रैक्टिस कीजिएगा, आने वाले समय में इसी फॉर्मूले से हम आपको 99% का एक्यूरेसी भी देने वाले हैं, लेकिन उस पर भी आपको प्रैक्टिस करना होगा। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो निष्कर्ष आ रहा है, आखिर का जो निष्कर्ष आ रहा है वो ये आ रहा है, यहाँ पर जब हमने लास्ट के जो रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस से ट्रेंड लाइन से कनेक्ट किया एंड यहाँ पर जो प्रीवियस डे के पैटर्न का जो यहाँ पर सपोर्ट था, नेक्स्ट जो प्रीवियस सपोर्ट था, प्रीवियस सपोर्ट को जब हमने नेक्स्ट सपोर्ट से कनेक्ट किया तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन हमारा ये है एंड सेकेंड ट्रेंड लाइन ये है, यानी सपोर्ट ट्रेंड लाइन यहाँ पर है और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन यहाँ पर है। याद रखना है यदि ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन पर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता है और मार्केट इस वाले सपोर्ट ट्रेंड लाइन के ऊपर यदि क्लोजिंग देता है या फिर एक बाइंग प्रेशर के साथ में ट्रेड करने लग जाता है तो नेक्स्ट लेवल यहां पर इसका कहां पे है, मार्केट का नेक्स्ट लेवल है। एक तो इसका प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग प्राइस है ये एक इसका नेक्स्ट लेवल है। यदि मार्केट को मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में सपोर्ट ट्रेंड लाइन के पास में कोई इसमें एक बाइंग प्रेशर देखने को मिल जाता है, कोई यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल जाता है, उस कंडीशन में मार्केट का आपका टारगेट क्या होगा, यहाँ पर प्रीवियस डे का जो भी क्लोजिंग है ये एक जोन आपका टारगेट होगा। यदि मार्केट इससे भी ऊपर निकल जाता है बिना कोई रिवर्सल पैटर्न बनाए उस कंडीशन में जो आपका रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है ऊपर वो आपका टारगेट होगा। और देख सकते हैं मार्केट ने बिल्कुल इस वाले यहाँ पर जोन पर ट्रेड करके एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न दिया है, आप ध्यान से देखिएगा, उसके बाद में ही मार्केट में एक नया सपोर्ट बनने के बाद में मार्केट ने वापस से रिवर्स किया है। तो दोस्तों यहां पर कुछ इस टाइप से प्रैक्टिस करके आप मार्केट में 99% की एक्यूरेसी निकाल सकते हैं ना, एक स्ट्रांग सेटअप क्रिएट करके मार्केट में रेगुलर प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बन सकते हैं। ओके, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इंफॉर्मेशन आपको कैसे लगी है, इस प्रकार का क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इस फॉर्मूले के बारे में अधिक इंफॉर्मेशन चाहिए, लगाने में आपको प्रॉब्लम्स आती है, आपको यहां पर निष्कर्ष निकालने में प्रॉब्लम्स आ रही है, यानी कि फ्रेंड्स मार्केट के डायरेक्शन का पता लगाने में आपको प्रॉब्लम्स आती है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर हमें मैसेज कर सकते हैं एंड इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। ओके, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और लाइव स्ट्रीम के माध्यम से हम आपको लाइव मार्केट में ट्रेड लेकर बताते हैं, यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले को वहां पर लाइव मार्केट में आपको ऐड करके दिखाते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, लाइक करना, मैं इस वीडियो पर टारगेट रखूंगा लाइक का 10,000 लाइक, यदि 10,000 लाइक इस वीडियो पर हो जाएंगे तो नेक्स्ट फॉर्मूला इसी से रिलेटेड मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं इसका यदि आपको नेक्स्ट वाला पार्ट चाहिए तो इस वीडियो पर आपको 10,000 लाइक करने हैं और यहां पर 1,000 कमेंट करने हैं और यहां पर 2,000 लोगों को इस वीडियो को शेयर करना है। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपके लिए एक नई इंफॉर्मेशन लेकर। थैंक यू।